नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज़ लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ किया है। नजर डालते हैं आज की खबर पे। जनपद चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, स्वैट टीम तथा सैयद राजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी एटीएम डीएल मोबाइल के साथ 5 साथी जालसाज गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चंदौली संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में फर्जी तरीके से जालसाजी करके दूसरों का पैसा एटीएम बदलकर पैसा निकालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु स्वाट टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में निरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव प्रभारी स्वाट टीम द्वारा टीम के साथ ही थे कि मुखबिर की सूचना पर कि सैयद बाजार में 5 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हैं जो पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। सूचना मिलते ही स्वाट प्रभारी द्वारा मैं हमरा फोर्स द्वारा उस स्थान पर पहुंचे ही थे कि पांचों व्यक्ति भागने लगे। पांचों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार पांचों व्यक्तियों के कब्जे से 8 एटीएम कार्ड, डीएल सिम कार्ड तथा विभिन्न कंपनियों का मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम चंदौली, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह थाना सैयद राजा, हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, अमित कुमार सहित तमाम पुलिस टीम उपस्थित रही। साहबगंज से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है, क्या क्या बरामदगी, क्या खुलासा है? ये 5 साथी जालसाज गिरफ्तार किए गए हैं सैयद राजा पुलिस और स्वाट टीम चंदौली के द्वारा, और इनके बारे में पूछताछ में जो जानकारी आई है वो ये है कि इनके पास एक एक्सिस बैंक का खाता नंबर है। इनके अनुसार उसमें करोड़ों रुपए होने की बात है, और उसमें से हैकर की मदद से पैसे निकाल कर और 5-4 अलग अलग इन्होंने खाते खुलवा रखे हैं आसाम में, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाना था और उस पैसे को निकालना इनका लक्ष्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने गूगल पर सर्च किया हैकर्स के बारे में, और एक हैकर का नाम पता सैयद राजा जनपद चंदौली का इनको मिला, तो उसकी तलाश में आए थे और ये सूचना हम लोगों को भी मिली थी कि इस तरह से एक ग्रुप जो है आया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है, और इनसे पूछताछ में भी इन्होंने उन बातों की पुष्टि की है जो अब सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इनके कब्जे से 8 एटीएम कार्ड मिले हैं, 4 अदद ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं और 2 सिम कार्ड फ्रेश मिले हैं, विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल नंबर मिले हैं, 3 आधार कार्ड और सादे पन्ने पे कुछ अकाउंट नंबर्स और मोबाइल नंबर की पर्चियाँ मिली हैं। क्या तरीका रहा इनका काम करने का? इनका काम करने का यही तरीका है कि ये कोई अच्छा अकाउंट देखते हैं जिसमें काफ़ी पैसा हो, कहीं से जानकारी इनको मिल जाती है और फिर ये प्रयास करते हैं हैकर की मदद से उसमें से मनी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसके निमित्त इन्होंने खाता खोल रखा है, उसमें पैसा ट्रांसफ़र करा करके फिर पैसा निकालने का प्रयास इनका था। फिलहाल ये विफल हो गया है और इनके बारे में हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। कुछ जानकारी हो पाई कहीं किसी एनजीओ से जुड़ा मामला, किसी खाते का नहीं था ऐसा कुछ? नहीं, अब अकाउंट से बैंक से जानकारी करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें क्या पैसे हैं और कहाँ का अकाउंट नंबर है, क्या है, तो वो हमारा प्रयास विवेचना का विषय है और जारी। पूछताछ में कुछ अमाउंट पता चल पाया कितने पैसे को ट्रांसफ़र करना था इनको? अब इनका तो कहना है कि हम 15 करोड़ रुपए की सम बात थी, लेकिन अब इनकी बात तो पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। हम इस डिटेल जानकारी का प्रयास कर रहे हैं और फिर वो विवेचना में हम डिसाइड करेंगे। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।